हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं समीर बंसोड़ और मैं छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के MBBS का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं। वैसे हमारे एग्ज़ाम्स लास्ट ईयर 2020 सितंबर में ही हो जाती है, लेकिन कोविड के चलते हमारी जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई, तो हम अभी भी फर्स्ट ईयर में ही हैं। और बहुत ही जल्द बैच 2021 आने वाली है, तो ये वीडियो खासकर उन्हीं के लिए है। आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा पहला ब्लॉग, इस चैनल का जो मेरा पहला ब्लॉग वीडियो था, आपने के व्यूज 1000 क्रॉस कर दिए। उसके लिए आप सबका मैं तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। वैसे ये वीडियो मुझे बहुत पहले डाल देनी चाहिए थी, पर एग्ज़ाम्स के चलते इस वीडियो में थोड़ी देरी हो गई और हमारे आज ही सेशनल्स ख़त्म हुए हैं, तो इसके चलते मैं ये वीडियो बना नहीं पाया। और कुछ बातें हैं जो मैं आप नेक्स्ट बैच जो आ रहे हैं 2021, उनसे शेयर करना चाहूँगा। लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा कि NMC ने लास्ट दिसंबर ही एक कैलेंडर अपलोड किया था, जिसमें बैच जो अभी MBBS सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, से लेकर जो 2024 तक जो बैच आएगी उनके लिए उसने उसने MBBS के जो पर ईयर की जो ड्यूरेशन है वो सेट किया था। और आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको एक खास बात बता दूं कि 2019 के पहले जितने भी MBBS बैच है, सबका ड्यूरेशन 4 साल 6 महीने की पढ़ाई प्लस 1 साल का इंटर्नशिप है। लेकिन हमारे बैच से, 2019 के बैच से, क्यूरिकुलम में थोड़ा सा चेंजेस आया है। जो पढ़ाई का जो ड्यूरेशन है वो 4 साल 2 महीने का है, इंटर्नशिप 1 साल का ही है। और इसी को मेंटेन करने के लिए NMC ने जो दिसंबर में कैलेंडर अपलोड किया था, उसने हर बैच का पर ईयर कितना मंथ का ड्यूरेशन रहेगा उसने वो सेट किया है। आप एक बार कॉलेज में आ जाए तो ये तो चीज़ें प्रोसेसिंग में होती रहेगी, पर कॉलेज आपको कब आना है, बैच 2021 को कॉलेज कब आना है। एक्चुअली हमारी जो बैच है 1920, हमारा कॉलेज का जो फर्स्ट डे था वो 1 अगस्त 2019 का था। और कॉलेज स्टार्ट होने के 1 वीक पहले ही जो एकेडमिक कैलेंडर है वो हमारे कॉलेज के वेबसाइट पे जनरेट हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली अभी तक आपका एकेडमिक कैलेंडर आया नहीं है, इसलिए मैं एस्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि आपका कॉलेज कब से स्टार्ट होगा। लेकिन आप तब तक वेबसाइट MPMSU की वेबसाइट और जो छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की जो वेबसाइट है उस पर आप सर्फिंग करते रहिए, देखते रहिए कि आपका एकेडमिक कैलेंडर कब आ रहा है। और एकेडमिक कैलेंडर जैसे ही आएगा, या टीचर्स हमें जब भी इन्फॉर्म करेंगे कि आपकी बैच कॉलेज में आने ही वाली है, तो मैं वैसे ही इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आप लोग को कब आना है। तो ये तो हो गई दूसरी बात कि आपको कब आना है। लेकिन कुछ एसेंशियल बातें जो आपको कॉलेज आने के पहले क्लियर कर लेनी चाहिए, वो ये है कि आप जिस प्रोफेशन में आ रहे हैं, आप MBBS करने के लिए आ रहे हैं, तो तुम सबको तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम मेडिकल कॉलेज आने वाले हो, तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आने वाले हो और तुम छिंदवाड़ा आने वाले हो। मोस्ट वेलकम जो छिंदवाड़ा आ रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर कॉलेज कब से खुलने वाले हैं, तो वो तो हो गया। ड्रेस कोड क्या रहेंगे, कौन से बुक्स हमें प्रिफर करना चाहिए, तो एक्चुअल में ये तो आपके लिए सरप्राइज़ है। लेकिन आप एक प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो एटलीस्ट आपके पास एक फॉर्मल शूज़, फॉर्मल ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट तो होना ही चाहिए। और आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आपके पास एक फुल लेंथ एप्रॉन होना चाहिए। अगर आप छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको एक अलमीरा मिलेगा, एक टेबल मिलेगा, एक बेड मिलेगा और साथ साथ एक चेयर मिलेगी। आप और मुझे वीडियो के कमेंट्स में और इंस्टाग्राम में बहुत लोगों ने पूछा कि ड्रेस कोड क्या रहेगा, या फिर हमें कौन सी बुक प्रिफर करना चाहिए, रूम के बारे में बताइए, हॉस्टल के बारे में बताइए। तो मैं आपको इन सब के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो मैं आपको शुरुआत में ही लेके चलता हूँ मेरे कॉलेज का पहला दिन, जहाँ पे मैं अपने फैमिली के साथ अर्ली मॉर्निंग पहुँच गया था, अपने कुछ डेली रूटीन की डेली नेसेसिटी आइटम्स लेके। और हम लोग अर्ली मॉर्निंग जितने भी बच्चे पहुँचे विद फैकल्टी, हम सब ने फिर MP हॉल में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया। फिर हमें फैकल्टी द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हम विद फैमिली जाकर LT1 लेक्चर थिएटर वन में जाकर बैठ जाए। फिर वहाँ पर दीप प्रज्वलित किया गया, सरस्वती वंदना हुई। फिर डीन सर द्वारा हमें एड्रेस किया गया, बाकी फैकल्टी मेंबर्स, HODs द्वारा हमें एड्रेस किया गया। आई रिक्वेस्ट वाट माई सर सर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू बुक अ मैम मैम प्लीज मैम सी
I request Mahendra sir, sir, welcome Dr. Shibhu ma'am. Students and the parents, here are the good wishes from all of us. As per our protocol, as today is the 1st of August, we are starting our program as per our rituals, like starting with the Vande Mataram. So Vande Mataram team is here. They will sing the Vande Mataram. I request all of you to please stand up. और बहुत सारे ब्लेसिंग्स के साथ हमारे MBBS के सफ़र की शुरुआत हुई। फिर वेलकम सेरेमनी के बाद सभी स्टूडेंट्स को रूम अलॉट हुए, हॉस्टल अलॉट हुए। मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स में बच्चों को रूम सिंगल अलॉटेड नहीं है, शेयरिंग्स में रहना पड़ता है। एक 10x10 के रूम में दो बच्चों के लायक यहाँ पर दो बेड, दो टेबल, दो चेयर, दो अलमेरा। बाकी की जानकारी आप मेरे हॉस्टल टूर वीडियो में जाकर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे से अकॉर्डिंग टू एकेडमिक कैलेंडर फाउंडेशन क्लासेस चलती रही। फाउंडेशन क्लासेस हमारी एक महीने की थी। मुझे नहीं पता कि आपकी कितने दिन की फाउंडेशन क्लासेस रहेगी, लेकिन उस फाउंडेशन क्लासेस में आपको पूरे कॉलेज का विजिट कराया जाएगा, आपको DH डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का विजिट कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको हर डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आपको बताया कि आपको कौन से बुक प्रेफर करना चाहिए। और मेरा यकीन मानिए कि उस फाउंडेशन कोर्स के इंटरेक्टिंग क्लासेस में आप बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। और आप उसी अंतराल फाउंडेशन क्लासेस में आपको जनरल एनाटॉमी, जनरल फिजियोलॉजी, जनरल बायोकेमिस्ट्री से रूबरू कराया जाएगा। आप बेशक आपको हर डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट से जुड़ी सबसे बेस्ट बुक्स के बारे में बताएंगे, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के लिए हार्पर हो गई, सत्यनारायण हो गई, वासुदेवन हो गई, पंकज नायक हो गई, फिजियोलॉजी के लिए गाइटन हो गया, एकेजन हो गया, और एनाटॉमी के लिए BDC विश्राम सिंह। पर एट लास्ट जब आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो आप जितने एक्साइटमेंट से टीचर्स द्वारा बताए गए बुक्स खरीदते हैं, धीरे 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 जब आपके सेशनल्स आते हैं, जब आपके प्री यूनिवर्सिटीज आते हैं, तो आप उस स्टडी मटेरियल के एसेंशियल्स में आ जाते हैं। एसेंशियल मतलब सबसे इजीएस्ट फॉर्म में किस में लिखा है, जो आपको इजीली सिंप्लीफाइड वर्जन में आप उसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में लिख पाए, एज आंसर लिख पाए। इसीलिए मेरा तुम सबको एक पर्सनल एडवाइस है कि तुम अभी से बुक्स के पीछे मत भागो कि बुक्स खरीद के चले जाते हैं, वाली बुक्स लेके चले जाते हैं। तुम सबसे पहले कॉलेज आ जाओ, सिम्स में सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है, सारी बुक्स अवेलेबल है। तुम पर्सनली सारी बुक्स को देखो कि किस बुक्स में तुम ज़्यादा कंफर्टेबल हो, देन उसके बाद तुम उसे परचेस करना। तुम्हारे बैच से ही कोई जूनियर ऐसी हॉस्टल विजिट करने आया था मेरे रूम में, देन उससे पूछता कि मुझे सर कौन सी बुक आप मुझे भी प्रीफर करें, ताकि अभी जो एक महीने का जो गैप है उसमें मैं पढ़ूँ उसे। तो वैसे तो मैंने उसे कुछ अच्छी एडवाइस दिया, लेकिन शायद उसे वो पसंद नहीं है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं कि आप कॉलेज आने के पहले तुम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा अप टू डेट होकर आना चाहते हो, तो मैं तुम्हें प्रीफर करूँगा कि तुम एनाटॉमी में जनरल एनाटॉमी पढ़ना शुरू कर सकते हो, और बायोकेमिस्ट्री के लिए यूट्यूब में डॉक्टर राजेश जामुलकर सर का चैनल है, तुम उसकी सारी वीडियोस देखकर आ सकते हो। और फिजियोलॉजी के लिए NCERT का यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी ही मोर देन इनफ है। और मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हारी कुछ क्वेरीज होगी, फिर भी अगर तुम्हारी कुछ क्वेरीज होगी तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। और एक खास बात, या तुम इसे ऐसा फ्री टिप भी ले सकते हो कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम्हारा टास्क बनता है कि तुम जिस मेडिकल कॉलेज में, जिस कॉलेज में जा रहे हो, तुम एटलीस्ट वहाँ के सीनियर्स के बारे में पता करो। ये अच्छा थोड़ी लगेगा कि तुम वहाँ, मतलब तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है, तुम किसी सीनियर्स को जानते नहीं हो और तुम उनसे नाम पूछ रहे हो, और उन्हें नाम बताना ज़रूरी नहीं समझा, और वहाँ पर फालतू तुम्हें चिल्ला दिया, तो पहला दिन तुम किसी से डांट खा रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो तुम्हारा पूरा मूड ही स्पॉइल हो जाएगा। तो क्या मतलब, तो उससे बचने के लिए, ओवरकम करने के लिए जब तुम कॉलेज जाते हो तो तुम्हें एटलीस्ट कम से कम थोड़ा सा अप टू डेट होकर आना चाहिए कि इस कॉलेज में पढ़ रहे इस इतने बच्चों में से 100 ही तो हैं, उनके नाम तुम्हें पता करने में कितना ही टाइम लगेगा। आजकल के सोशल मीडिया की दुनिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक में हर कोई अवेलेबल है। और ये एज अ टास्क तुम समझो कि तुम्हें जब तुम खास कर स्पेशली तुम छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस आ रहे हो, तो तुम्हें वहाँ पे पढ़ रहे सारे बच्चों के एटलीस्ट नाम तो पता ही होने चाहिए। आई होप तुम मेरी बात समझ गए होंगे। तो एट लास्ट मैं अपनी बुक्स दिखाकर इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो एनाटॉमी के अंदर हम उसके 3 सब ब्रांच की स्टडी करते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ते हैं, हम हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं, हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, और ये कनिंगम है जो डिसेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, और ये जनरल एनाटॉमी जिससे आपकी स्टार्टिंग होगी।
मैंने ग्रॉस एनाटॉमी के लिए और जनरल एनाटॉमी के लिए मैंने बी टी चौरासिया प्रेफर किया, और फिजियोलॉजी के लिए मैंने तो एक ही जन लिया, बाकी लोगों ने कुछ लोगों ने गाइडन खरीदा है। पर एट लास्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो ये जो एक ही जन है ये रिप्लेस हो चुकी है रामलिंगम से, और ये बात आप कॉलेज में आने के बाद खुद ही समझ जाएंगे। और बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने लिया था वासुदेवन, पर एट लास्ट ये लास्ट सारी हैवी लिटरेचर वाली बुक्स रिप्लेस हो जाती है एसेंशियल ऑफ बायोकेमिस्ट्री में। पर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल ऑफ पंकजा नायक बहुत बेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको आपके सारे क्वेरीज का आंसर मिल गया होगा। उसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने बाकी मेडिकल फ्रेंड्स से इसे शेयर कीजिएगा। जितना इंतज़ार तुम्हें कॉलेज खोलने का है उतना ही इंतज़ार हमें भी तुम्हारा है। तो देखते हैं फिर तुम्हारा कॉलेज कब से स्टार्ट होता है, और मुझे जैसे ही गारंटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि तुम्हारा बैच कब से स्टार्ट हो रहा है मैं तुरंत ही उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।